out again. It's a redskin. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ लैपटॉप वाला पे मौजूद है। और आज की वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे और हाई जनरेशन और हाई स्पेक्स वाले जो है प्रोसेसर वाले लैपटॉप आज कवर करेंगे। कोर i9 भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ हमेशा की तरह रूहान भाई मौजूद होंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जवाद, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बड़े दिन बाद कैमरे के पीछे देख रहा हूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना एंगल चेंज करना चाहिए, मैं हमेशा सामने। अच्छी बात है, कहीं तो लोग मुझे वैसे भी पहचान लेते हैं बाहर मार्केट में जाता हूँ। माशाल्लाह, नहीं आपका चैनल माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। हाँ जी, अल्लाह करे आप और कामयाब हो। मुझे रोक के कहते हैं डिस्काउंट दिला देना, सलाम बाद में करते हैं। अच्छी बात है, तो खुशी तो होती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन और कामयाब करे आपके चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बंद मिले, लोग इंगेज ज्यादा हों, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, और आपको भी इस तरह आपके काम में भी बरकत अल्लाह ताला डाले। और मुझे आपके जो कमेंट्स हैं या फीडबैक देख के जैसे भी लोगों का रिस्पांस मिलता है तो मुझे भी बड़ी अच्छी खुशी फील होती है कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और काम का मजा भी आता है। नहीं, वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से 100% दें, बाकी कोई भी 100% होता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जाए, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट पे काम किया जाए। कई इग्नोर भी हो जाते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होते, वैसे ही हो जाते हैं। चलें, कोई मसला नहीं, वो आपको पता है कि आपका बिजी शेड्यूल होता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, आप लोग भी समझा करें। जी, तो आज क्या ऑफर्स हमारे व्यूवर्स के लिए? आप मैंने आपको स्टॉक तो दिखा दिया, ये मैंने नया मैं लास्ट टाइम T480 पे मैं हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 45 to 50 लैपटॉप है, और यकीन मानो इस टाइम वो T480 नहीं पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था वीडियो पे, और बहुत लोगों ने परचेजिंग की उस वीडियो के बाद T480 की। ठीक है। अच्छा, इस टाइम जो मैंने जो नया स्टॉक बाय किया है वो एक हाई एंड प्रोसेसर है, और जो मतलब प्रोसेसर की आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं या जो जानते होंगे उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो होएगा प्रोसेसर, वो फिर इसको पढ़ेंगे भी। और बाकी जितना मैं बता सकूंगा, क्वांटिटी मेरी कोशिश ये होती है कि ये क्वांटिटी हो, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी भी और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है ये जो आपकी आगे पड़ी है। मुझे लग रहा है लोगों को सिर्फ लैपटॉप देख रहे होंगे लेकिन ये कुछ अच्छे भले पैसे लगे हुए हैं, तो ये पैसे रखे हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे है, ये एक अच्छी भली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये वाला मैंने जिगरे के साथ ये लैपटॉप परचेज किए हैं, क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है। मेरे पास मतलब जितने भी अब क्लाइंट आता है ना, वो एक्चुअली बड़ा पढ़कर आता है, उसको पता है अगर उसने क्या काम करना है, उसको मिनिमम क्या प्रोसेसर चाहिए, या वो हाई एंड काम करना है तो उसको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, और बजट में रहते हुए वो लेना चाहते हैं। ठीक हो गया रोहन भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले कौन सी मॉडल आप मॉडल बताएंगे और फिर जो मॉडल मेरे पास क्वांटिटी में ज्यादा है ना, सबसे पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने ये कौन किया वाला आपको बाजू नीचे मैं आपको बैठते हैं, अब ये बैठ के दिखाते हैं। हाँ जी चौधरी सर, ये हमारे पास ये वाला मॉडल है, ये इस मॉडल का नाम है Dell Persian 7530। ये एक मोबाइल वर्क स्टेशन है 15.6 इंच डिस्प्ले के अंदर, और जो मेरे पास इस टाइम ये क्वांटिटी आई है ये सारी की सारी मोस्टली कोर i9 ठीक है 8th जनरेशन, और ये HK प्रोसेसर है। मैं एग्जैक्ट मॉडल भी बता देता हूँ, ये दिखाते हैं भी प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप, ये एग्जैक्ट मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको ब्रदर, ये कोर i9 8950HK प्रोसेसर का मॉडल है इसका, ठीक है। और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है ना वो 2.9 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम टर्बो बूस्ट वो भी अभी देखते हैं आप और मैं मिलके, ठीक है। और इसके अंदर जो रैम आई है ना 64 GB 64 GB रैम है इसके अंदर, ये गाइस 64 GB रैम है, ये 64 GB इसके अंदर रैम है। यार क्या, ये तो मेरे ख्याल से फरारी से भी तेज चलेगा। फरारी जो मतलब ये हाई एंड वर्क के लिए ये एक अच्छा लैपटॉप है, जो कि एक अच्छे काम हाई एंड वर्क के लिए ये प्रोसेसर काम आएगा, ठीक हो गया। मतलब जो लोग इतनी रैम और बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छा प्रोसेसर और तगड़ी रैम चाह रहे होते हैं ना, तो ये लैपटॉप उनके लिए है। अभी मैं ना ये बाकी इसकी स्क्रीन फुल HD है 1080p और ये IPS पैनल है, ठीक हो गया। और मैं ये 8950HK का गूगल पे जाके ना वो आपको दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप ना मुझे अभी इसके एचेस दिखा दें थोड़ा सा, हाँ ये देखो एचेस वगैरह दिखा दें ताकि मैं भी देख लूँ। गाइस ये कंडीशन देखें, क्वांटिटी अवेलेबल है, क्वांटिटी के पास क्वांटिटी में ये सारे जो ये वाला मॉडल अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, और ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ठीक है।
अभी ये आपको जो है ना उसके प्रोसेसर की स्पीड है वो भी आपको दिखा देंगे अभी इंटरनेट से, ठीक है, ये क्वांटिटी में मौजूद है। और 64 GB इसके अंदर रैम है, फुल HD 1080p इसका डिस्प्ले है, बिल्कुल कोर i9 है ये, जी, ऐसे ही है। ऐसे अच्छा जी, और इसके अलावा प्रोसेसर भी आपने बता मैंने दिया था कहा बाकी। ये हमने खोल ली, मैं आपको इसका हाँ थोड़ा सा आर्किटेक्चर बता देता हूँ कि ये चलेगा। क्या है। हाँ ये गाइस, अगर आपने भी कोई लैपटॉप देखना होता है ना ऑनलाइन, तो आप इस तरह से, प्रोसेसर का मॉडल देख सकते हो हाँ आप। इस तरह से ऑनलाइन सर्च अच्छा कर सकते जी हैं। ब्रदर, ये इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मेजर ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखा दो, जी जी श्योर। ये 12 MB कैशे है इस प्रोसेसर की, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट है 4.8 GHz, जीरो सर जाती है, ठीक है। और इसके जो टोटल कोर्स हैं वो 6 हैं, ये देखिए ये ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है, और जो इसके टोटल थ्रेड्स हैं वो हैं 12, चल, मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी फोर फोर पॉइंट पॉइंट एट एट गीगा जीरो हर्ट्ज और ये प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी 2.90 GHz, 9 GHz, और 12 MB कैशे के साथ है, बारह हेक्सा एम बी कोर कैश, प्रोसेसर है, और ये मैक्सिमम 64 GB रैम को सपोर्ट करता है, ठीक और है, 64 GB ही लगी हुई है, 64 GB ही इसके अंदर एनएफ रैम जो है वो लगी हुई लगी है। हुई है। अच्छा रोहान भाई, 64 GB इसके अंदर रैम होगी, कोर i9 हो गया, कोर i9 हो गया, और 64 GB रैम है, और हाँ 512 GB की NVMe लगी हुई है, ठीक है, और तो इसके अंदर जो बैटरी है वो 64 वाट आवर्स की बैटरी लगी हुई है, एंड और ठीक है, मतलब सारे फीचर तो इसके अंदर मौजूद हैं। 512 NVMe है, और हाँ इसके साथ एक के साथ 3 स्लॉट्स हैं 512 GB NVMe की, ठीक हो मतलब गया, दो और भी लगा सकते हो आप इसके अंदर ठीक हो गया NVMe। और NVMe। अच्छा, अब मैं आपसे स्पेसिफिकेट करेंगे, मैं फिर प्राइस पूछूंगा, बहुत सारे लोग प्राइस का वेट कर रहे होंगे। इधर देख लें क्या सर्च कर रहे मैं कुछ हैं, चीज ढूंढ रहा था, मैंने कहा वो क्या दिखाते हैं आप लोगों को, चीज़ है वो वो मेरे ढूंढ। जेन से निकल गया कोई अभी। मसला नहीं, होता रहता है, कोई मसला नहीं, वो मिस कर गया वो कमेंट है ना कमेंट में बताने के लिए हाँ हाँ बिल्कुल है, कमेंट में बिल्कुल बता देंगे। अच्छा, कोर i9 है, अपना है, 64 GB रैम है, 64 GB एट रैम, जनरेशन है ये, 8th जनरेशन एच के प्रोसेसर है, एच के प्रोसेसर है, 15.6 इंच डिस्प्ले है, ठीक है। फुल HD IPS पैनल है इसके अंदर जो लगा हुआ है, ठीक है और 64 वाट आवर की बैटरी है ठीक इसकी, है। और हार्ड रैम कितनी है? हाँ 64 512 512 NVMe। NVMe। सर कितने का देंगे लैपटॉप वाला पे जो आएगा? ये गाइस हाई एंड प्रोसेसर है, दोबारा से मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोर i9 है, कितने का मिलेगा इन स्पेक्स के साथ? 1,45,000 रुपये का, 1,45,000 का, वन फोर्टी के 145 K, हो अच्छा 45K। हाँ जी 145 K। हाँ दरअसल आज बांग्लादेश हार गया तो मैं थोड़ा घुमा हुआ वो पाकिस्तान भी हार गया ऑटोमेटिकली, बांग्लादेश आ रहा है। चलें कह रहा है, दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से। गाइज ये वाला लैपटॉप यहाँ से आप जो है 145K का यहाँ से ये क्वांटिटी हासिल अवेलेबल है हमारे कर पास। सकते हैं। और बाकी कुछ सर्च कर दे, DXDIAG ये कमांड होती है, इससे आपको सारा वो मॉडल नेम अगर आपने देखना हो तो ये कमांड लगा के ना आप विंडोज आर में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं जी। इसके बाद मॉडल्स पे चलते अच्छा हैं। मैं हाँ ये वाला मॉडल है जो कि अपने हमारे पास, ये अपने पास क्वांटिटी में क्वांटिटी में अवेलेबल है। पड़ा है भाई, अच्छा भाई के पास क्वांटिटी पड़ी है भाई। क्वांटिटी बढ़ी है वो आपने देख ली। हाँ अब जो एक एक कोई अगर कोई मॉडल है ना, ये पूरी जब शिपमेंट बंदा खरीदता है ना उसमें एक मेजर क्वांटिटी होती है, बाकी कुछ लैपटॉप होते हैं जो एक 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 यूनिट होता ठीक है। है। हाँ i9 10th जनरेशन, अच्छा, ये i9 10th जनरेशन भी पड़ा है आपके आई पास, नाइन टेंथ जनरेशन यहीं पर रखिएगा इसको, मैं रख लेता आई हूँ। नाइन टेंथ जनरेशन गाइस क्या लैपटॉप का कंडीशन आपको बिल्कुल एकदम से HD में नजर आ रही होगी, ये साइडें दिखाएं मुझे इसका मॉडल है इसकी, 7550। 50 साइडें दिखाएं, साइडें साइडें एजेस। हाँ ये देखिए, ये खूबसूरत लैपटॉप, ओके, इससे साइड कंडीशन आपने अब देख लिया। और चार्जर तो ओरिजिनल ही देते हैं, ओरिजिनली जितनी बार चाहते थे बताते वो, हैं तो इसको। आपके सामने अभी एक भैया आए भी थे और आपने ठीक हो देख ही गया, लिया था कि मैं क्या परचेज कर रहा था। हाँ अच्छा मैंने मैं रखा है। इस वाले मॉडल का भी ना आर्किटेक्चर शेयर करता हूँ क्लाइंट्स के साथ। ठीक हो गया, ये i9 की 10th जनरेशन है, ठीक है। और इसके प्रोसेसर का एग्जैक्ट मॉडल वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। और देखिए इसका कलर चेंज है ना, वो उसका ब्लैक ये था। ऑब्वियसली ये थोड़ा अपर हाँ जनरेशन के अंदर जो आ जाती है ये ठीक वाला है, टेन मॉडल, जनरेशन में आता ये है i5 10th जनरेशन है, ये, गाइस देखिएगा मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये आई फाइव इसकी टेंथ कंडीशन देखिए, अभी जनरेशन ये ऑन कर रहे हैं, अभी आई चालू नाइन टेंथ सॉरी i9 की 10th जनरेशन। 10th जनरेशन है, ये देखें सारी कंडीशन। कीपैड मुझे तो इसको वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। अच्छा अभी इसके अंदर विंडोज होने वाली है, विंडोज हाँ होने वाली है। जी अभी इसके अंदर अच्छा विंडोज सबसे होगी। पहले हम आ जाते हैं। अच्छा सॉरी मुझे याद आ गया मैं उसमें क्या देख रहा था, हाँ मैं उसके मेगा हर्ट्ज देख रहा था कि इसकी रैम जो लगी हुई है वो कितने मेगा हर्ट्ज वाली रैम है। मैंने कहा मैं वो भी शेयर कर दूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो टेक्निकली साउंड होते हैं उनका ये कंसर्न होता है, प्लीज ये भी बता दे। ठीक ठीक है, अभी फिलहाल उसको ऑन हो जाता है, वो वो कर लेते हैं ये हो हम, गया, और ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो 26 66 मेगा हर्ट्ज वाली रैम लगी हुई है, ठीक है, 16 16 GB के 4 मॉड्यूल चार लगे मॉड्यूल हुए हैं, हैं,
और ये टोटल बन गई 64 GB। ठीक हो गया गाइस, और ये आई नाइन 10th जनरेशन है ब्रदर, आई नाइन 10th जनरेशन और एच प्रोसेसर है ये, ठीक है, ये एच था, एच है वो एच के था, वो, एच के था ये, एच है ये, लेकिन जनरेशन अप होगी ना ठीक हो इसका। गया। आर्किटेक्चर भी हम पढ़ लेते हैं अभी, इसकी बेस फ्रीक्वेंसी हमें नजर आ रही है 2.4 GHz ठीक है, और टू पॉइंट बाकी फोर फोर गीगा गीगा हर्ट्ज है, और ये 10 8, कोर्स काउंट 8 है इसके अंदर, ऐसे है बिल्कुल हाँ, ये प्रोसेसर। मतलब ये 6 कोर वाला प्रोसेसर है तो ये 8 कोर वाला प्रोसेसर है, अच्छा, इसके अंदर भी दो कह रहा है, M2 की दो स्लॉट्स हैं, ये ज्यादा ही होंगे इसके अंदर ठीक भी, है, ये कुछ ज़्यादा तीन ही से है, 4 हैं, लेकिन फिलहाल 512 GB लगी हुई है फाइव इसमें। ट्वेल्व जी बी इसके अंदर लगी और है। ये भी 64 GB रैम है, 64 ये ना जी हाँ, 32 GB के सिंगल सिंगल मॉड्यूल लगे हुए हैं दो। ये दो और जो मुझे मुझे एक और चीज जो कंसर्न कर रही है ना, वो ये कर रही है कि इसका जो बोर्ड है ना वो माइट बी पॉसिबल 128 GB तक रैम सपोर्ट करता होगा करता हूँ, वो। इसको जरा उठाएं, जरा ये मैं इस बैक साइड से दिखाएं, वो ये देख बैक साइड, ये गाइस ये बैक साइड है इसकी, ये यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं, ये आपके NFC कार्ड की पोर्ट है, ये HDMI है, ये दो डिस्प्ले पोर्ट भी ये हैं डिस्प्ले टाइप सी पोर्ट्स हैं वाली, यहाँ टाइप पे, ये एक सी, सेकंड, ये स्कैन कर ले भाई, स्कैन कर, तो स्कैन नहीं कर रहा, आपको कर रहा है, ये कर लिया, ठीक है जी, ये वाले पोर्ट्स। अब ये जो दोनों लैपटॉप है हाई एंड है, देखिए इनके अंदर रैम 64 64 GB तक लगी हुई है, आप सपोर्ट भी करते हैं 64 64 GB तक ये जाते हैं, ठीक है जी। आप मुझे आज डिफरेंट तरह की व्लॉगिंग देख रहे होंगे, हम ऊपर से दिखा रहे हैं, नीचे से दिखा रहे हैं, आप ये लोग वाला कहते हैं ना, एक ही यूनिट है मोस्टली जो अपने पास है वो 75-30 है, अच्छा ये एक ही है, ये एक ही यूनिट है, ये कोई किस्मत वाला ही लेके जाएगा फिर अच्छा जी ये इंशाल्लाह। स्पेशल एक ही यूनिट है, हाँ जी, अभी हम इसके बारे में आपको ये बताते बैटरी की हैं। हेल्थ है हाँ ये ब्रदर, ये एक्सीलेंट हेल्थ है, और ये ये मैं सिर्फ इसको ऑन करना इसलिए चाह रहा था कि मैं इसका आर्किटेक्चर शेयर कर सकूं जी जी आप श्योर, लोगों के साथ। उसके अलावा आगे चलते हैं, ये वाली लैपटॉप इधर ही रहने देते हैं, ठीक ये ओके, देख ली मोस्टली, ये हाँ बैकलाइट के साथ है, ये बैकलाइट के साथ नहीं है, ये वाला मॉडल i9 10th जनरेशन वाला बैकलिट कीबोर्ड के साथ है। ठीक है, आए एक सेकंड भूल ही गए हैं, स्पेक्स बताएंगे फिर प्राइस तो बतानी है ना हाँ, आपने। ये हाँ 64 GB रैम है, 512 GB SSD है, ठीक है, i9 है और ये 10th जनरेशन है ये, ठीक है, और ये इसकी प्राइस मिलेगी 185। 185 के, मतलब हाँ 185 टेंथ के जनरेशन था और हाई एंड प्रोसेसर i9 था, 10 है, हाँ i9 था, तो और इसके ये एट अगेंस्ट। कोर्स के साथ है, ये 8 कोर्स के साथ है, और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz है। और मैं सिर्फ वही खोलना चाह रहा हूँ गूगल पे कि ये चीज़ भी फौरन शेयर की जाए, जो भी ब्रदर ये वीडियो देख रहा है उसको पता होगा वो क्या देख रहा है। हाँ बहुत सारे लोग ना, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप लोग देखें, गूगल जो है वो आपको वेरीफाई कर देता है वो इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, तो अच्छा हो मतलब अपनी रिसर्च भी इंसान को करनी चाहिए ना, कि देखें आपको कोई भी झूठ भी बोल सकता है, सच भी बता सकता है, बट अगर आप श्योरिटी के लिए गूगल से वो चेक कर लेंगे ना, तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो माइंड में रहेगा नहीं, वो क्लियर हो जाएगा, यस तो एक किस्म का ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है आपका गूगल जो है ओ, ना। अब ये देख लो 12 MB कैशे है, हाँ 16 16 है, सोलह एम सोलह बी कैशे हाँ है, इसमें 16 है, ठीक है, 5.3 GHz वो एक मिनट मैक्सिमम टर्बो बूस्ट है। ओवरक्लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो 5.30 GHz तक जा रहा है यार, मैंने आज तक ये मतलब सुना 3.4 या 4 ये या इतना फाइव पॉइंट थ्री पावरफुल प्रोसेसर है, मेरे लिए भी वैसे एस्टॉनिशिंग है। ठीक वन है। टू एट जी बी मैक्सिमम रैम लगा सकते हो आप, उसमें 64 लगी हुई है DDR4 DDR4 ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, ये स्पेक्स आप देख सकते और हैं इसमें, ये एट सब कोर्स वाला प्रोसेसर ठीक हो है, एट गया। कोर्स 16 थ्रेड्स एंड ब्रदर 16 MB कैश सोलह अप टू कैसे फाइव गया, पॉइंट ठीक हो थ्री गया, गे और गार्ड 185K का वन यहाँ एटी से आप फाइव गे गार्ड हासिल कर सकते हैं, ये एक ही पीस ऑफ जनरेशन है, ये ही है, ये एट जनरेशन के पास ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, क्वालिटी ये 145 मौजूद के। है जी सर। नेक्स्ट उसके पे चलते अलावा एक हैं, एक यूनिट है, ये 11th जनरेशन है, i5 Latitude सीरीज है, ठीक है ये इसका मॉडल है डेल लेटीट्यूड 5520, ठीक है। ये एक यूनिट निकला है, ये ठीक है 16 GB रैम है और 256 GB SSD है, और ये 1,15,000 रुपये का। हाँ ठीक है, 1,15,000 रुपये जी, का, इसके अलावा ये कुछ मॉडल्स ये हैं, इनकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये 10 को यूनिट है, डेल इंस्पायरॉन है, i5 की 10th जनरेशन है, ठीक है, i5 की जनरेशन है, ये ठीक, टच स्क्रीन भी है ब्रदर, और ये बैकलिट कीबोर्ड भी है, सामने से दिखाइएगा बिल्कुल सर, 15.6 इंच डिस्प्ले में भी है, कैमरा ठीक है, ओरिजिनल है, चार्जर ओरिजिनल मिलेगा, HDMI पोर्ट है, USB है, लैन वाला वो पोर्ट भी है। इंस्पायरॉन इसका मॉडल मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। ये है जी 30 डेल इंस्पायरॉन 3593 3593। ठीक है, ये मॉडल है, ये हमारे पास अवेलेबल है, और ब्रदर ये आया है 12 GB रैम एंड 256 GB SSD ड्राइव के साथ, और ये पूरे 1,00,000 रुपये का।
1 लाख रुपए में, ये भी 10 लैपटॉप अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है 10 लैपटॉप ये क्वांटिटी में इनके पास क्वांटिटी में मौजूद अवेलेबल है। है। और बाकी मेन जो आज फोकस है ना इस लैपटॉप पे पचहत्तर था, तीस है। ये इन्होंने इसकी प्राइस भी आपको 145K के राउंड अबाउट दी है। और ये फिर कुछ लैपटॉप इसी मॉडल में आए हैं, डेल लेटीट्यूड 7490 7490, ठीक है ये 8 GB रैम 256 GB SSD और फुल HD है, बैकलाइट है, और ये ओरिजिनल राउंड शेप वाली पिन, डेल का एक आता है मॉडल वही वाला चार्जर लगता है इसको, ठीक टाइप है सी भी है, HDMI भी है, और ये कोर i7 8th जनरेशन है, ये क्वाड कोर है, 4 कोर्स वाले प्रोसेसर होता है इसके अंदर, 6 MB कैशी होती है इसके अंदर, ठीक है और ये आपको 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ 76,000 में मिल जाएगा, 76,000 आई रहेगा सेवन कि एट जेन ये एट एट जी बी रैम जनरेशन। 256 GB, बाकी 32 GB तक अपग्रेड करा सकते हैं, 512 GB लगवाना चाहे वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो बेस प्राइस है वो मैंने शेयर कर दी है, ठीक है 76,000 विद 8 GB रैम एंड 256 GB SSD ड्राइव। और पूरे पाकिस्तान से ये ऑनलाइन भी डिलीवरी हाँ करते हैं अगर ऑनलाइन आप, डिलीवर भी करते हैं। ठीक है अच्छा एक और और मॉडल है, ये भी एक ही है, ये भी शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है ये बता ये दीजिए। HP की ZBook है। ओके हाँ जी HP के न्यू लोगों के साथ है हाँ ये जी HP के चीज़ें। न्यू लोगों के साथ है, ये स्मार्ट मशीन है, इसमें एक एच प्रोसेसर वाली भी आती है, ये एच प्रोसेसर वाली नहीं है, ये सिंपल यू प्रोसेसर वाली है, इसका जो मॉडल है वो मैं आपको बता देता हूँ, HP ZBook 15U G5, ठीक है स्मार्ट है, मोबाइल वर्क स्टेशन है, मेटल बॉडी डिजाइन में है, HP के न्यू लोगो है, स्पेक्स भी बड़े मजे के हैं, ठीक है आई क्या स्पेक्स सेवन हैं। एट 32 GB रैम 1 TB NVMe SSD, ठीक हो फुल एच गया डी स्क्रीन है, बैक लाइट कीबोर्ड के साथ है, एक यूनिट ही अवेलेबल है, आई ये सेवन एट अच्छे अच्छे यूनिट एक ही है भाई आपके। मैंने बताया ना, जब जब एक डील उठाते हो ना, हाँ जब एक जी लिस्ट उठाते हो तो उसके अंदर एक मॉडल ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है बाकी जो मॉडल वो मिक्स होते हैं वो मिक्स होते हैं ना, ठीक है। वो फिर एक एक हाँ यूनिट वो होता है। क्वांटिटी में नहीं होते लेकिन एक आधी क्वांटिटी होती हाँ है एक आधी क्वांटिटी ठीक की, है ये। मतलब ये साफ है, नीट है, 3 पीस या 4 पीस 7490 के हैं, 7400 मॉडल है वो 7490 वाली कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन वो स्लिम शेप के अंदर है, स्मार्ट है, इंस्पायरॉन है, मैक्सिमम मैंने जो क्वांटिटी थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली इस वीडियो में, ठीक है एक ये जो सबसे यूनिक आइटम है, एक पावरफुल प्रोसेसर, पावरफुल मशीन, और ये जो भी लेगा मैंने वही बता रहा हूँ, ये जो लेगा वो बस किस्मत वाला भी होगा, क्योंकि इस तरह की मशीन बहुत रेयर आती ये है। आती है उनका एक ही पीस आया भाई हाँ एक अच्छा, क्वांटिटी इसमें। ये वर्क स्टेशन मशीन है, तो मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा जब भी वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, इनमें ग्राफिक कार्ड कौन से लगा हुआ है, इनमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगे हुए अच्छा ठीक है इस, ये अगर ये ग्राफिक कार्ड लगे होते ना तो ये सिंपल इस वाली लैपटॉप की 2 लाख प्राइस होती है, और ये 3 लाख से ऊपर होती, हाँ ग्राफिक कार्ड की वजह से ठीक GPU नहीं लगे, निकले ही नहीं। अब है ये इसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन यही हो सकती है कि जिस कंपनी ने भी जब भी ये डेल से बाय किए होंगे उन्होंने विदाउट GPU लिए होंगे, उनको जरूरत नहीं होगी, ठीक हो तो गया ये उन्होंने विदाउट मतलब। GPU ही आए हैं, और ये विदाउट GPU ही रेट्स हैं, ठीक है मतलब ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड नहीं लगा हुआ इन लैपटॉप की, अगर कोई गेम है ना भाई वो अब सिर्फ प्रोसेसर और रैम के ऊपर है। वो हाई एंड वाले जो हाँ जी सारे स्पेक्स हैं। और गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही तो यार लाइक तो कर देना, इतनी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और लोकेशन बताएं जरा रोहन भाई किधर है हम। यार, ये हाँ मेन बुलेवार्ड आप जरा कैम और करीब चले, जो आपको लग पता जाएगा हम किधर बैठे हैं, ये हम देखिए हमारी हम बिल्कुल मेन बुलेवार्ड है, प्लाजे का नाम है मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी एम ठीक है सिटी, शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर, ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये भी हमारा ऑफिस है, मेन रिटेल स्टोर हमारा ये बिल्कुल वो सामने सामने है है, इनका ठीक है मतलब ये बिल्कुल तो। आमने हाँ सामने ही है ये। ओके हो गया गाइस। बाकी इनकी वीडियो भी चल रही होगी अभी लोकेशन की। और भाई अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0323405236, मुझे कोई मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे तो एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट हो जाता है, तो उसमें मेरी सेल्स टीम जिसमें मिराज, अख्तर, अवैस, ये सब शॉप पे ही होते हैं, ये भी रिप्लाई करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग शॉप टाइमिंग जितनी ज़्यादा कॉल अटेंड कर सकूँ, इंटरटेन कर सकूँ वो मैं करूँ, वो मैं करता भी हूँ, अगर कोई इग्नोर हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी भी कर लेता हूँ, कोई माफ़ कर। मसला नहीं है। और बाकी गाइस अगर जो विजिट करके लेना चाहे, इतनी बड़ी मशीन मेरी ख्वाहिश ये होगी कोई भी लेने आए तो वो खुद आए, लेकिन अगर खुद नहीं भी आ सकता तो क्वांटिटी में अवेलेबल है, मैं धड़ल्ले से पूरे पाकिस्तान में भेज सकता हूँ, और पेमेंट मेथड यही है, हम पहले पेमेंट एडवांस मंगवाते हैं, कूरियर के पैसे हैं, TCS हैं या कार्गो हैं, वो एंड यूज़र नहीं पे करने होते हैं, एंड प्राइस इज निगोशिएटेबल, मैं कोई सख्त लौंडा नहीं हूँ। हाँ 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 तो वो मैं मतलब मुझे जितना और लगेगा कि मैं
हाँ वो कर सकता हूँ वापस कर मैं। सकता हूँ तो लेकिन आप करेंगे। मिरेकल ना एक्सपेक्ट करना कि आप हाँ 10-10 हज़ार रुपये, सोचो मेरे 2 से 3-4 हज़ार रुपये का मार्जिन है पर लैपटॉप, वो मैं ठीक है। करूँगा। और गाइस मेरा आज का मैसेज यही है कि शॉर्टकट पे ना जाएं, मेहनत किया करें। कोई भी चीज़ को कहीं भी कामयाब होना है आपने किसी फील्ड में भी, तो शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, मेहनत चलेगी। टाइम लगता है, टाइम जो होता है ना सबसे बड़ा आपका लेसन होता है, सिखाता है चीज़ें, टाइम के साथ आप चीज़ें सीखते हैं। बट शॉर्टकट नहीं, मेहनत करें आप भी कामयाब हो जाएंगे। आपका सर कोई भी हमारे ऑडियंस के व्यूवर्स के लिए कोई भी ऐसा मैसेज, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के एंड पे मैं कोई मैसेज कर दूं, मैं अपने हवाले से सोचता हूँ, आप जो आपके जहन में आ एक मैसेज दे सकते हैं ऑडियंस को। बस मुझे यही है कि हाँ मतलब जितने भी वीडियोस देखते हैं, मतलब अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, एजुकेशन ज़रूर लें, ठीक है। और एजुकेशन के बाद जो लोग जॉब्स की तरफ जाते हैं, मतलब मैं खुद, मैंने नास से एमफिल करने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो ठीक है। हर बंदे को एंटरप्रेन्योर और बिजनेस माइंड होना चाहिए। नौकरियों लेने के लिए एजुकेशन नहीं लो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनो, कारोबारी बनो। मैं सही आपको वैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जी आज जी श्योर। बांग्लादेश हार तो गया, हाँ बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए है, अगर वहाँ पे किसी ने एमफिल या पीएचडी भी कर ली है ना, तो वो जी जी नौकरी की तरफ से कम, वो पान की कोई दुकान लगा लेगा, चावल बेचना शुरू कर देगा, उसके इससे जॉब क्रिएशन होती है। ठीक है। अगर मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे साथ शायद 6 या 7 लोग हैं जो मेरी दुकान पर काम करते हैं, जॉब क्रिएशन होती है इससे। बिल्कुल तो ऐसे ही। पढ़े लिखे लोगों को या जो पढ़ रहे हैं वो ये सोचें कि वो सिर्फ नौकरी के लिए ना पढ़े, वो ड्यूरिंग बिजनेस कोई मतलब बिजनेस वेंचर कुछ भी हो सकता है वो, व्हाट एवर कुछ भी, जो लेकिन आप कर बिजनेस सकते करें, हैं मतलब कारोबार कारोबार करें, करना। एंटरप्रेन्योर बने, नौकरियों की तरफ ना भागो। वो हाँ आप रेडी लगा लो, केले बेच लो, कुछ भी बेच लो, वो आप पे है कि आप क्या बेच सकते हो और कैसे बिल्कुल बेच सकते हो। बिजनेस इंटरप्रेन्योर है। और ये हमारे सामने एक यंग एग्जांपल मौजूद है, यंग है। अब ये ना कहना यंग नहीं है, ये मैं बिल्कुल यंग। 30 साल अभी का ये नहीं हो यंग, तो गया मेरी बहन यंग हुआ है। ठीक है, हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपके थैंक टाइम यू, का। थैंक ऐसे यू, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और हमसे मिलते रहे। थैंक थैंक यू सो मच यू, गाइज, थैंक आपका यू बहुत बहुत जो। शुक्रिया। इस वक्त आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ 500 रूहान लैपटॉप वाला से अजाज़ चाहता है। ये बैग भी आपको मिलेंगे साथ, परेशान ना हो, ये बैग लैपटॉप के साथ आपको यहाँ से मिलेंगे। अजाज़ चाहता है फिर सेंट्रल लाहौर से, नहीं MCT प्लाजे से यार, ये साथ ही है फिर सेंटर। अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.